अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एज ए सेफ्टी ऑफिसर कन्फाइन स्पेस के अंदर वर्कर की एंट्री करवाने का क्या प्रोसीजर है और इसके लिए किन स्टेप को फॉलो किया जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के कन्फाइन स्पेस के बारे में जानने के लिए, अगर आपने कन्फाइन स्पेस की मेरी वीडियो नहीं देखी हुई कन्फाइन स्पेस क्या होती है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप दे सकते हैं या इस वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं। कन्फाइन स्पेस एंट्री के प्रोसीजर को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम प्रिपरेशन ऑफ कन्फाइन स्पेस, स्पेस में एंट्री के लिए उसकी पहले तैयारी करते हैं। दूसरे पार्ट्स में हम देखते हैं सेफ एंट्री इंक्लूडिंग रेस्क्यू प्लान, कि अगर हमने एंट्री करनी है तो उसके लिए, अगर इमरजेंसी हमने रेस्क्यू भी करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है। और तीसरे नंबर पे हम रेस्टोरेशन ऑफ कन्फाइन स्पेस देखते हैं कि काम करने के बाद जो सारा वैक्यूएट सामान वगैरह करना होता है वो भी इसी प्रोसीजर में आता है। प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि कन्फाइन स्पेस या वो वेसल जिसमें हमने एंट्री करनी होती है या करवानी होती है वो प्रॉपरली आइसोलेट होना चाहिए, यानी कि वो उसके साथ जो भी पाइपलाइंस होंगे या जो भी वाल्व वगैरह होंगे या कोई डक्ट होगी तो उसको हमें फिजिकली डिस्कनेक्ट करना होता है। और दूसरे नंबर पे कन्फाइन स्पेस जो होती है इसको जहां तक हमने हो सके इसको हमने इसकी सफाई करनी होती है, अगर वेसल वगैरह है तो स्टीम वगैरह से इसकी सफाई करनी होती है, पानी से सफाई करनी होती है, जहां तक पॉसिबल हो सके एंट्री से पहले हमने इसकी क्लीनिंग करनी होती है। तीसरे स्टेप पे हम मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं। ये हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है हम ब्लोअर की मदद से या फैन वगैरह चला के कन्फाइन स्पेस में से टॉक्सिक गैसेस या फ्लेमेबल गैसेस वगैरह या हैजर कंटेमिनेंट जो होते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। और चौथे स्टेप में हम कन्फाइन स्पेस का एटमोस्फेरिक टेस्ट करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जब हमने एटमोस्फेरिक टेस्ट करना होता है तो हमने ये मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रोसेस जो है, जो ब्लोअर या फैन वगैरह हो गए, उनको हमने पहले बंद करना है और बाद में एटमॉस्फेरिक टेस्ट करना होता है। एटमॉस्फेरिक टेस्ट में हम ऑक्सीजन की जो उसका लेवल चेक करते हैं, कोई फ्लेमेबल गैसेस है या कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है उसका हम टेस्ट करते हैं, और टॉक्सिक गैसेस जो है उनके लेवल को हम चेक करते हैं। और पांचवें स्टेप में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका लेवल जो है तकरीबन 20% होना चाहिए मिनिमम, या मैक्सिमम हो तो 21% हो, इससे ना ज्यादा हो ना कम हो। और जो फ्लेमेबल गैसेस होंगी वो जो होगी वो जीरो होनी चाहिए हमारे पास, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये 10 ppm होना चाहिए, यानी इससे ज्यादा ना हो, एंड लिमिट इसकी 10 पार्ट पर मिलियन होनी चाहिए। छठे स्टेप पे जितने भी इग्निशन सोर्स हैं वो या तो कम होने चाहिए या फिर कंट्रोल होने चाहिए। कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर आपने वेल्डिंग वगैरह अंदर यूज करनी है या वेल्डिंग करनी है कन्फाइन स्पेस के अंदर, तो उसके लिए अलग से जो है हार्ड वर्क परमिट आपको इशू करवाना होता है और उस पे जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो करना होता है। सातवें स्टेप पे हमने ये देखना होता है कि जो भी हमारे एयर मूवर्स हैं या जो भी वेल्डिंग मशीन्स या जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको हमने ग्राउंडेड लाजमी करना होता है, उसकी अर्थिंग हमने लाजमी करनी होती है ताकि हमें शॉक ना लग सके। आठवें स्टेप में रिमूव फिजिकल हैजर्ड, कन्फाइन स्पेस के अंदर जितने भी फिजिकल हैजर्ड होंगे उनका रिमूव होना बहुत ही जरूरी होता है। नाइन्थ स्टेप में हम देखते हैं फॉल प्रोटेक्शन, यानी अगर कन्फाइन स्पेस के अंदर नीचे हमने 6 फुट नीचे जाना है या ऊपर जो उसके हाइट पे 6 फुट ऊपर जाना है तो हार्नेस और स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। नंबर 10 पे है ऑल पीपीज, कन्फाइन स्पेस के अंदर एंट्री करते होकर तो हमारा टर्न आउट गियर इंक्लूडिंग SCBA लाजमी यूज करना है हमने, और ये हमारे पास लाजमी अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 11 पे है वायरलेस सेट अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन, वायरलेस सेट एक जो आपका जो अटेंडेंट होता है और कन्फाइन स्पेस के ऊपर उसके पास या जो वर्कर अंदर जा रहे हैं उनके पास वायरलेस सेट का होना लाजमी है, अगर हंगामी सूरत या इमरजेंसी रेस्क्यू करना हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन हो सके। परमिट साइन बैरिकेड्स जो है वो कन्फाइन स्पेस के आउटसाइड पे जो है वो पोस्टेड होने चाहिए। ट्रेन और डेजिग्नेटेड जो बंदा है वो स्टैंड बाई जो है कन्फाइन स्पेस के ऊपर खड़ा हो ताकि वो अंदर जो वर्कर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। नंबर 14 पे है प्रॉपर रेस्क्यू इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए कन्फाइन स्पेस पे, अगर अंदर किसी वर्कर को इमरजेंसी रेस्क्यू करना पड़े तो उसके लिए इक्विपमेंट जो है वो कन्फाइन स्पेस के बाहर पड़ा हुआ हो। प्रिपरेशन के बाद हम कन्फाइन स्पेस में एंट्री करवाते हैं, जिसमें हम एंट्री करवाने से पहले हम देखते हैं कि जो कन्फाइन स्पेस परमिट की चेक लिस्ट है उस वो कंप्लीट है, उस पे साइन वगैरह हुए हैं। और दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि सिर्फ ओनली जो अथोराइज पर्सन होता है वो ही कन्फाइन स्पेस में एंट्री
करेगा और उसी को ही एंट्री करवाई जाती है। और तीसरे नंबर पे अगर एक से ज्यादा बंदे हैं कंफाइन स्पेस में एंट्री करने के लिए, तो एंट्री से पहले उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं और वो एंट्री के बाद जो जब वो बाहर आते हैं तो फिर तब भी उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं और उनकी काउंटिंग की जाती है और एटमोस्फेयर को रीचेक किया जाता है और कंटिन्यूस इसको मॉनिटर किया जाता है कि जब वो जो हमारा वर्किंग एरिया है वो हमारा कंडीशन जो है वो हमारे लिए सेफ है। और पांचवें स्टेप में अगर कंफाइन स्पेस में एंट्री किसी वजह से सस्पेंड हो जाए तो इसका जो इंटरेस्ट का एरिया है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं और नो एंट्री का साइन जो है उस पर पोस्ट कर देते हैं। थर्ड पार्ट होता है हमारा रेस्टोरेशन का, जब हमने काम कंप्लीट कर लिया होता है तो फिर हम ये स्टेप को देखते हैं कि हमारे जो भी वर्कर्स जो भी पर्सनल थे अंदर इंटर हुए थे वो कंफाइन स्पेस से बाहर आ गए हैं। और दूसरे नंबर में हम देखते हैं कि हमारे जो भी इक्विपमेंट या टूल्स वगैरह जो हमने कंफाइन स्पेस के अंदर इंटर किए थे वो भी रिमूव हो गए हैं। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि जो मैनवे हो जो हमने खुद जो है अपनी तरफ से इंटर होने के लिए बनाए होते हैं वो क्लोज हैं और उनको सील कर दिया गया है। और चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि जो भी वाल्व हमने बंद किए थे या जो भी पाइपलाइन डिस्कनेक्ट की थी उसको दोबारा ओके कर दिया है हमने। और पांचवें नंबर पे हम देखते हैं कि जो भी साइन वगैरह लॉग आउट या साइन आउट जो हमने लगाए थे उसको हमने रिमूव कर दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।